सबसे पहले बाजारों की बात कर लेते हैं। आज निफ्टी में कल एक नया हाई लगा, जो कि हर दिन ही लगे जा रहा है सर। इसके बाद हमने देखा ग्लोबल इंडाइसेस में भी अमेरिकी बाजारों ने भी अच्छा परफॉर्म किया। डाउ जोन्स में हल्की सी गिरावट आई, लेकिन S&P और नैसडेक ने ठीक ठाक परफॉर्म किया। अगर हम एशियन काउंटर पार्ट्स की देखें तो उनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इसके पीछे का अहम रीजन सर जो हमें अभी तक देखने को मिला है, वो चाइना के स्टिमुलस की बात जो होती आ रही है। लगातार 3 दिनों से चाइना ने 3 स्टिमुलस पेश किए। इसके पहले इतनी बड़ी मात्रा में स्टिमुलस इन्होंने अपनी मार्केट में नहीं लाया था। पहले रेट कट किया, उसके बाद बैंक्स में और ज़्यादा कैश इनफ्लो की बात की, और आज इन्होंने अपना रिजर्व रेशियो, जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है, जिसको इंडिया में CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, उसमें कटौती की। जिसके बाद सर 1.2 लाख करोड़ युआन आने की संभावना है वहाँ के इकोनॉमी में। ऐसे में सर आज निफ्टी में क्या आप एक नई तेजी की उम्मीद कर रहे हैं, और कौन से ऐसे निफ्टी की रेंज क्या रहने वाली है हमारे ट्रेडर्स के लिए, एक बार अगर आप वो बता दें तो। जी तो देखिए, आप यूएस को देखिए, चाइना को देखिए, यूएस में भी जीडीपी के नंबर अच्छे आए हैं, जो जी जॉबलेस क्लेम है वो गिर करके आया है। चाइना में देखिए कंटिन्यूस स्टिमुलस दे रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में और आईटी सेक्टर में चाइना में एक स्ट्रेस बना हुआ है काफी लंबे समय से। तो जी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए दोनों सेक्टर सबसे बड़े इकोनॉमी के फ्रंटलाइन इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक अच्छा स्टिमुलस चाइना के द्वारा आया। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप देखेंगे तो इंडिया में मेटल सेक्टर में देखने को मिला है। वेदांता है, टाटा स्टील है, नेशनल एल्युमिनियम है। क्या आप देखिए, मेटल्स में बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए, डिमांड रहेगी यहाँ से, और मुझे लगता है कि अपर सीरीज में मेटल्स में एक अच्छी रैली आनी चाहिए। अगर निफ्टी को आप एक देखें तो वैसे भी निफ्टी में एक बड़ा सपोर्ट नीचे की तरफ बना हुआ है। अगर कल का भी डेटा आप देखें तो करीब 2400 करोड़ की बाइंग कैश में दोबारा की है DIS ने, 630 करोड़ की बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक कैश में बाई के द्वारा आई है, और इंडेक्स फ्यूचर पे 400 करोड़ 13,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग। स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग कहाँ पर है, अगर आप FII को देखेंगे तो अब FII का स्टॉक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग करीब 60% के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, एक लगभग 1,10,000 के लगभग शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इनवाइंडिंग हुई है। मेटल्स में और आईटी में बड़ा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 80% के आसपास प्रॉब्लम कहाँ है, 80% के आसपास बताए का लॉन्ग गया। सत्यम जी, पहले हिस्टोरिकली मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि सर की करीब आप देखिए 88% से 92%, 88 से 92% के आसपास FII की काउंट हो जाता है लॉन्ग में, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। यही सबसे बड़ा एक फिगर रहेगा जिसको देखने की जरूरत हो रहेगी। अब अगर आप निफ्टी को देखें तो मुझे लगता है सपोर्ट 26,000 11 26,035, जिन लोगों का लॉन्ग है अभी तो 26,011 26,035 पर एक सपोर्ट माने, जो अभी लॉन्ग करके चल रहे हैं। ऊपर की तरफ आप माने 26,396 424 पहला रेजिस्टेंस है, ये टारगेट है, और इंटरमीडिएट एक रेजिस्टेंस रहेगा 26,270 285। आप देखिए 26,396 424 क्या है, ये बेसिकली आप देखिए तो 26,300 को कॉल राइटर है वो फिसक गया ऊपर, वो 26,396 424 के पास अपना स्टॉप लॉस लेकर के बैठा है। मुझे लगता है वहां तक का एक पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल है, और इंटरमीडिएट एक रेजिस्टेंस 26,270 285 पर रहेगा, जो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 26,100 के कॉल राइटर का बेस है। और सपोर्ट आपको जैसे मैंने बताया 26,011 26,035, और एक और सपोर्ट है 26,070 26,085, जो ये अगर कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसमें आप मान लीजिएगा 25,960, अब इस पूरे बुलिश मोमेंटम का बेस बन गया है, ये बेस नहीं टूटना चाहिए। नाउ कमिंग टू बैंक, अगर आप जी बैंक निफ्टी में देखेंगे तो एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, करीब 51,010 51,068 के आसपास, सॉरी 54,010 54,068 के आसपास अच्छा बेस बना हुआ है। अगर आप देखें तो कहाँ तक जाएगा, मुझे लगता है 54,796 850, ये जो जोन है यहाँ तक की रैली बिल्कुल पॉसिबल है। ये जोन क्या है, अब 54,600 का कॉर्पोरेटर यहाँ पर बेस होकर के खड़ा हो गया है, तो जो रैली बनेगी यहाँ तक एक बार जरूर जाएगी। एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 54,435 467 पे मिलेगा, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 54,300 के कॉर्पोरेटर का बेस है, और सपोर्ट आपको जैसे मैंने बताया 54,010 54,068, और एक सपोर्ट ऊपर की
पकड़ लीजिए, कोई भी डिप मिलता है बायोटिप्स के लिए 54,197, 54,47 बुलिश बेस कहाँ है, बुलिश बेस है 53,741,790। अगर दर्शकों को याद हो तो मैंने बोला था कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले कि 53,741 नहीं टूटना चाहिए, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो वही बेस जो है 53,741,792 उसको आप सब पकड़ लीजिए। ये कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आए ये जोन नहीं टूटना चाहिए, तो बाय एंड डिप्स कभी बना रहेगा।